तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022, अभी मैं इस दुकान पे हूँ। इस दुकान पे मैं पिछली बार, मैं, मेरा ये गांव ही है, मैं यही रहता हूँ। तो अभी आज इलेक्शन हो रहा है, 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होना और हो रहा है। और ये बारीक पार बूथ वहाँ पर दूर पे है, वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। महंगाई कम कर रखा। हाँ, और कोई मुद्दा? मतदान कर दिए? हाँ। ये देखिए भाई, इन्होंने मतदान कर दिया है और अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? राम प्यारे। क्या मुद्दा मन में है, क्या सोच के मतदान करके आए हैं? अरे भाई, सब महंगाई कम करें कि सब बहुत ज्यादा से और विकास हो कि नहीं हो, विकास के लिए किया। अच्छा, देखिए दे दिए मतदान। देखिए भाई, इन्होंने मतदान दे दिया। ये भी यही कह रहे हैं कि महंगाई कम हो और विकास हो और बेरोजगारी, रोजगार मिले बेरोजगार लोगों को, तो इनका भी यही कहना है। अच्छा बताइए, कितने बजे गए थे आप देने? अरे करीब 8 बजे। अच्छा, ये बताइए क्या सोचते हैं आपकी बार, मतलब सरकार किसकी बन रही है? मन से कोई बताइए, कोई एक बताइए ऐसे दिमाग से। अखिलेश का। अच्छा, अखिलेश यादव, इनसे भी हम पूछ ले, सरकार किसकी बनवाना चाहते हैं बताइए? अखिलेश बने हैं उसके बने। अच्छा, अखिलेश यादव बनेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, एकदम मतलब आप बनवाने की ठान लिए हैं ना? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि तीन ही लोग थे, दो तीन लोग थे। तो जहाँ मैं दो तीन लोगों को देखता हूँ वहाँ मैं चला जाता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों की बात जानोगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर लोग थे, इन्होंने मुद्दे पे बेरोजगारी पे दिया वोट, और फिर विकास पे दिया कि सड़क बने, काम हो, महंगाई पे दिया। तो यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को।